सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में दो दो जगहों पर धारा 144 लागू करने पर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने तल्खी दिखाई है और युवा कांग्रेस के सांसद के घर का घेराव करने जा रहे युवाओं को रोकना गलत करार दिया है, क्योंकि इससे पहले भी 3 सांसदों के घरों का घेराव हो चुका था, लेकिन विधायक के घर के साथ साथ सांसद के घर के आसपास भी धारा 144 लागू करना इतिहास दोहराने के लिए लगाई गई हो। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी के लोग अगर मेरे घर पर हिसाब लेने आते तो मैं उनकी पूरी खातिरदारी करता, लेकिन सांसद अपने घर से खिसक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद से जनता पिछले 12 सालों का हिसाब लेना चाहती है, लेकिन वह भाग रहे हैं। वहीं अगर मेरा हिसाब लेना है तो बीजेपी वाले मेरे घर आए और पीएम मोदी की तरह पकौड़े खिलाकर भी पूरी सेवा की जाएगी। मैं भी इस बात को लेकर बड़ा हैरान हूं कि युवा कांग्रेस द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं उनका घेराव करने के लिए, कि उनसे ये जानने के लिए कि आप लगभग 12 वर्षों से सांसद हैं, आपने इस क्षेत्र के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट लेके आए, क्या क्या काम किया है, और उसके लिए धरना प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से जो है युवा कांग्रेस ने करने का जो है वो निर्णय लिया था और उसकी सूचना प्रशासन को भी दी थी कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है इसको करने वाले हैं, और उसके बावजूद भी एकाएक रात को जो है वो सांसद के ग्रीक पंचायत में समीरपुर में भी जो है वो धारा 144 लगाई गई, और उसके बाद मेरे घर पे भी मेरी पंचायत में भी 144 धारा जो है लगाई गई, परंतु मेरे घर पे भी हो सकता है कि प्रशासन को आशंका हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा धमकियां दी जा रही कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और थानेदारों की भूमिका निभाने की जरूरत पड़ी तो वो भी हम निभाएंगे, तो हो सकता है कि एहतियात बरतने के लिए प्रशासन ने जो है वो 144 धारा लगाई हो, और मेरे घर में भी इसलिए मेरे पंचायत में भी 144 धारा लगाई और लगभग 100 के करीब जो है पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए। मैंने शिमला जाना था और मेरी एस्टिमेट कमेटी की मीटिंग थी और मैंने इसलिए रद्द की कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे घर पे कोई हिसाब मांगने के लिए आना चाहते हैं, कोई महिला आना चाहती हैं, तो मैं मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी जो है खातरदारी करूं और उनको उनको उनका चाय पान का इंतजाम मैंने किया हुआ था, परंतु मेरे घर पे आया कोई नहीं, मैं तो अपने घर से खिसका नहीं और जो सांसद हैं वो अपने घरों से खिसक रहे हैं, और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुजानपुर की जनता राजेंद्र राणा से पिछले 5 वर्षों का हिसाब लेना चाहती है, जब मर्जी मुझे डेट दे दें, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है और 6 महीने मुझे अभी एमएलए बने हुए हैं, 6 महीने का भी रिकॉर्ड मेरे पास है, जब मर्जी आए वो हिसाब भी लें, उनको चाय भी पिलाएंगे और मोदी जी के जो पकौड़ों की प्रमोशन करते हैं उसकी पकौड़ों की भी प्रमोशन करने के लिए हम तैयार हैं, पकौड़े भी उनको खिलाएंगे। राजेंद्र राणा ने कहा कि युवा कांग्रेस के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सरकार ने बिना वजह से बवाल बनाया है। उन्होंने कहा कि आज का प्रदर्शन हिमाचल के इतिहास में ऐतिहासिक प्रदर्शन बना है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के लिए संदेश दिया गया है कि खतरे की घंटी बजी है और 8 माह पहले भी चुनावों से पहले ही बीजेपी की बौखलाहट सामने आई है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज ये संदेश जरूर चला गया कि उनके लिए खतरे की घंटी जो है बज चुकी है और 2019 को अभी चुनावों को 8 महीने जो हैं और 8 महीने पहले ही इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों में और उनके कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से और लीडरों में बुखलाहट जो है आई है, उससे कहीं लगता है कि ये अनकम्फर्टेबल है, क्योंकि 2019 का जो चुनाव होने वाला है इसमें ये बिल्कुल तय है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो प्रदेश की और देश की जनता के साथ जो वायदे किए थे उन पे वे खरा नहीं उतरे हैं और झूठे वायदे हुए हैं, खोखले वायदे हुए हैं और लोगों को सब्ज बाग दिखाए गए हैं, सपने बेचे गए हैं और जनता इसका हिसाब लेने वाली है, ये बात मैं निश्चित तौर पर आपको कहना चाहता हूं।